साला बदमाश मेरा घोड़ा है ले गोद में लेके आ रहे हैं और कैसे शांति से खड़ी है देखिए। भाई तेरी चैलेंज कब पूरी करने वाला है? हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे है 3:00 ढाई के बजे 3, और अभी गाय को चने के लिए छोड़ना है। अभी तो चने के लिए छोड़ देते हैं यहीं पे, नीचे ही लेके जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं लेके जाने वाले हम, तो छोड़ देते हैं। चल भाई दरवाज़ा खोल। हर रोज ऐसे ही वो करती है। चरने जाने का टाइम, चरने के लिए जाने का टाइम हो जाता है तब यहीं पे जो दरवाजा है वो खोल देते हैं, लेकिन एक बार तो वो आवाज़ लगाती ही है सभी गाय। चल यहीं पे वाड़ा है, और यहीं पे जब टाइम कम होता है या घर पे कोई होता नहीं है तो हम क्या करते हैं, यहीं पे वाड़ा है देखिए, और यहीं पे ही चरने के लिए छोड़ देते हैं। और अभी चरना शुरू भी कर दिया है सारी गाय। और ये वाला बाड़ा देख सकते हो नीचे, जब मैं व्लॉग नहीं बनाता शायद नहीं बनाता था तब जो गाय है वो इसमें रहती थी। ये वाड़ा बनाया है, लेकिन क्या है बारिश के हिसाब से हमने यहीं पे ज़्यादा कीचड़ हो जाता है बारिश होती है तो इसलिए हमने यहीं पे क्या किया कि इसको बंद कर दिया और वो वाला नया बना दिया। और ये वाला यहीं पर सब कुछ है, यहीं पर छाव बनाया है, और यहीं पे ज़्यादा बड़ा भी है, लेकिन जो बारिश के टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे यहीं पे कीचड़ हो जाता है, तो इसलिए हमने ऊपर बना दिया। और अभी बनना शायद शुरू भी करने के, नहीं तो वहीं पे चलेगा क्योंकि नीम का पेड़ जो है वो बड़ा हो चुका है। और ये वाला जो सेतुर का पेड़ जो है हमने लगाया था क्योंकि वो जल्दी बड़ा हो जाता है, उसका साँव बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए लगाया था, वो भी बड़ा हो चुका है अभी। लेकिन यहाँ पर हमने गाय को रखना वाड़े में बंद कर दिया है क्योंकि जब गर्मी की सीज़न होती है तब गाय हम बाहर ही रखते हैं, तब क्या होता है कि यहीं पे दूर पड़ जाता है, घर से दूर हो जाता है, इसलिए घर के सामने ही हमने आंगन में ही जो वो बना दिया। यहीं पे सारी गाय अंदर वाड़े के अंदर घुस गई, यहीं पे चारा बहुत है ना, कब से वो इतने कितने जो 5-6 मंथ हो गए वो यहीं पर आई नहीं, तो चारा बहुत बड़ा हो गया, तो चने के लिए वापस चल गया। और उसको यहीं पर बहुत पसंद है, जब हम गर्मी के टाइम पे यहीं पे रखते हैं और कुछ दिन हमको कहीं पे शादी वादी में जाना होता है तो हम के वहीं पे गौशाला में रख के जाते हैं, लेकिन नहीं वो यहीं पे भाग के आ जाती है, तो उसके लिए वो यहीं पे बहुत पसंद करती है, उसको ये जगह है वो, और यहीं पे उसको चने का है ये पूरा दिख रहा है वो। यहीं पर आम के पेड़ है, ये जो आपको दिख रहे हैं वो सारे आम के पेड़ है, आगे भी है और चीकू वगैरह सब कुछ है, लेकिन यहीं पर चारा हो जाता है क्योंकि आम को जब पानी पिलाते हैं तब चारा जो भी हो जाता है और हरा ही रहता है वो। तो अभी जो सारी गाय है वो चर रही है, तो अभी पशु आहार तैयार करने का समय हो गया है, तो अभी मैं पशु आहार तैयार करने आया हूँ और अक्षय जो है वो गाय चर रहा है, तो अभी फटाफट से कर लेता हूँ पशु आहार तैयार। दोस्तों अभी पशु आहार जो है वो तैयार हो गया है, अब हम शाम को 5 बजे उसको गाय को दूध निकाल के दे देंगे। दोस्तों यहीं पे सारी गाय जो है चर रही है, और यहाँ देख सकते हो आप, ये है चीकू के पेड़ और एक वहाँ भी है गाय जो है वहाँ, और यहाँ पे सारी गाय चर रही है, और यहाँ पे अक्षय बैठा है। तो गाय यहीं पे सारे जो गाय है 2-3 वो यहीं पे पक के आ गई देखिए अभी, और यहीं पे पेड़ ही पेड़ है, जाने की भी जगह नहीं है, देखिए ये कांटे वाला पेड़ है और यहीं पे हम जा नहीं सकते, लेकिन ये गाय खुश गई देखिए, और ये छोटी है ना तो वो इसे चली गई, यहीं बहुत ही पेड़ है साग वगैरह की, और यहीं पर गाय घो चुकी है, और यहीं पर भूड और रोज़ वगैरह ज़्यादा रहती है देखिए अभी, ऐसा ही सब यहीं पर जगह पर ऐसा ही है, और आगे साग ज़्यादा है और यहीं पे ये वाले पेड़ ज़्यादा है। गाय को लेके आ गई है और चराने उसको, और मेरे को मिल गए है यहीं पे कुछ सीता फल,
सीताफल देखिए पक्का वाला है, पक्का वाला है, बहुत बढ़िया काट के दिखा। अरे थोड़ा कच्चा लगता है, नीला पक्का है। देखिए दो भाग किए है, तुम्हारा कौन सा वाला है, कौन सा वाला है? देखिए अभी हमको मिल गया है सीताफल, यहीं पे पेड़ था तो पक्का वाला ही डायरेक्ट मिल गया। बाकी क्या होता है कि कच्चा उसको तोड़ के फिर घर पे रख ले जाते, उसके बाद वो क्या है कि वैसे वो पक जाता है, लेकिन ये जो पेड़ पे पका होता है वो बहुत ही बढ़िया लगता है, स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट। आपका यहीं पे मयूर को मिल गए हैं बहुत सारे सीताफल। देखिए अभी पूरा खा जाने वाला है क्या? कच्चा है, अभी क्या खा लूँगा मैं, तो क्या कर ले जाएगा बाद में, साथ में मिल के खाएंगे ना बाद में, ऐसा घर पे ले जाएगा। हाँ लेके जा, जा जा घर पे रख क्या, आठ है, आठ आठ जा। अभी इसको जो ये वाली गौशाला है, ये वाली, उसमें से ये वाली गौशाला में लेके जाते हैं, क्योंकि अभी यहीं पे दूसरी बच्ची आएगी और अभी यहीं पे मयूर लेके आ रहा है। देखिए अभी गोद में लेके आ रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा चलती नहीं है, पसंद ज़्यादा करती है, इसलिए गोद में लेके आ रहा है। और कैसे शांति से खड़ी है, देखिए देखिए कितना वेट होगा इसका, बहुत है, कितना क्या भारी लग रहा है क्या? बहुत भारी लग रहा है तो अभी इसको आने दे, चल अंदर रख लेते हैं। चरने गई थी वो गाय, भी वापस आ रही है, देखिए उसको भी चरने के लिए हमने छोड़ा था और वो नीचे चल रही है, और हम यहीं पे जो ये वाली गाय और दो बच्चे वगैरह थे उसको चेंज करने के लिए आई, और वो भी वापस आ रही है। क्या हमारी दो वीआईपी मैडम को, उसको पता होता है कि जहाँ पे छोटी बच्चियाँ जो होती है वो यहीं पे बांधती है और उसको चारा डालते है, तो वो क्या है कि चारा खाती नहीं है और रहने देती है, तो उसको पता है इसलिए वो भाग के आ जाती है सबसे पहले चारा खाने के लिए। और अब जब रात के 12 बजे भी है, ये वाली ऊपर आपको लाइट दिख रही होगी, वो आप ऑन करोगे ना खड़े होके वापस आ जाएगी, उसको पता है कि कुछ डालते हम तो ऐसे ही वो आ जाती है, और कहीं पे चरने जाती है फिर आवाज़ लगाते हैं तो वो तुरंत भाग के आ जाती है दौड़ के, उसकी आदत ही ऐसी है। जो सारी गाय है वो आ रही है घर पे, देखिए अभी ये वाली जो बड़ी बड़ी है वो जाएगी ऊपर वाली गौशाला में, और जो छोटी है वो जाएगी नीचे वाली गौशाला में, ये वाली में ऑटोमेटिक ही जाएगी। देखिए अब चलो चलो भाई चलो, देखिए छोटी छोटी वाली जो इधर की साइड ही जा रही है, और बड़ी वाली जो है वो, ये जो इसकी माँ है ना वो इधर की साइड है, तो इसलिए वो इस तरफ देख रही है, बाकी चली जाएगी वो। अभी सारी जो गाय है वो बारी बारी से आ रही है, तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको बांधने जाते हैं, वो आने वाली आती रहेगी, और ये पानी पीने वाली यहीं पे पानी पिएगी। हाँ थोड़े तो सबको यहीं पे बांध देते हैं, ठीक है ये वाली देखिए यहीं पे लाइन लग गई, उसका जो जगह है वो यहीं पे, लेकिन यहीं पे चारा है, जो ये वाली जो गाय है उसने खाया नहीं तो इसलिए वो बाकी यहीं पे बांधते हैं उसको, तो बांध देते हैं फटाफट से, उसके बाद मिलते हैं। फाइनली सारी गाय को हमने यहीं पे बांध दी है, देखिए इधर की साइड बन गई और इधर की साइड, और यहीं पे मुझे इसको बांध रहे, ये बीच में घुस गया। देखिए वो किसी भी गाय के साथ झगड़ा करता रहता है उसका, देखिए आप ये अभी 2 साल का नहीं हुआ, लेकिन बड़ी बड़ी गाय को वो डरा देता है, झगड़ा करने लग जाता है। तो अभी मिल्किंग का टाइम हो गया है, तो पहले क्या करता है कि वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं दूसरी गौशाला में, उसका जो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, वो खुली रहती है तो उसको बंद कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद दूध निकालेंगे। जो बच्चियाँ हैं वो देखिए, ये वाली इतनी बच्चियाँ हैं, 2, 4, 6, 8, 9 बच्चियाँ हैं, देखिए वो अभी यहीं पर खुली रहती है और वो शांति से यहीं पे इकट्ठा होकर बैठी रहती है, क्योंकि ठंड लगती है तो वो साथ में बैठ जाती है ऐसे, तो ये अभी खुली रहेगी, तो ये जो दरवाजा है वो उसको कर लेते हैं बंद। और अभी सारे बर्ड देखिए शाम के टाइम अभी दाने खा रही है, ये वाला और यहीं पे भी खाना चालू ही है। और अभी ये क्या खा रही है, देखिए
उसको चारा डालते हैं वो नहीं खाती, भूसा नहीं खाती, और जो पशु आहार देते हैं वो नहीं खाती, और वो खा रही है यहीं पे दीवार पे कुछ खा रही है। देखिए ऐसा करती रहती है, और ये भी ऐसा कर रही है, लेकिन ये कंकर खाती है, मिट्टी नहीं खाती, कंकर जो होते हैं वो खाती है। तो अभी मैंने इसका दूध निकाल लिया है, अभी ये वेट कर रही है पशु आहार का, और ये मयूर निकाल रहा है इसका दूध। तो भाई तेरी चैलेंज कब पूरी करने वाला है? बहुत जल्द, लेकिन कितने दिन? अभी वो बच्चा भी बड़ा हो जाएगा तब। कल सुबह तू नहीं करेगा तो गाय से, ये जो मैंने बताया था कि ये गाय जो बच्चा देने वाली है उसमें जो बछड़ा आया तो नहीं, जो बछड़ा बछड़ी आई, मेरा बोला था बछड़ा आएगा और मयूर का बोला था बछड़ी आएगी, लेकिन हुआ था कि मयूर का गलत हो गया और मैं जीत गया और ये वाली बछड़ी आ गई। तो मयूर को हमने चैलेंज किया था कि जब बछड़ी आ जाएगी तो मयूर को इसका दूध निकालना पड़ेगा, तो अब तक मयूर ने दूध नहीं निकाला है। ऐसा नहीं कि निकालने नहीं देती, निकालने देती है, लेकिन उसको डर लग रहा है और निकालता भी है वो, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दूध निकलता है उसका, 8-9 लीटर करीब निकलता है। तो क्या है कि इसका जो है वो थक जाएगा या कुछ प्रॉब्लम होगा ऐसा उसको लगता है, गिरा देगी इसका, तो इसलिए वो नहीं निकलता है, इसलिए उसको ऐसी चैलेंज लगाई थी, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं कर रहा है। तो अभी सारी गाय का मिल्किंग का काम जो है वो हो चुका है ख़त्म, और अभी हमको जाना है मामा की जो भैंस है उसका दूध निकालना है, तो वहीं पे जाते हैं क्योंकि मामा जो है वो कहीं पे गए हैं, तो हमको दूध निकालने के लिए जा रहे हम। तो अभी जाते हैं, और दो गाय जो है उसको जो कैप में गए थे वहीं पे टैबलेट दी थी, तो उसको खिला के फिर जाते हैं मामा का जो भैंस है उसको दूध निकालने। मेरे को दूध निकालना था, लेकिन ये जय स्कूल से आ गया, तो अभी जय निकालेगा दूध इसका, आपको दिखाता हूँ। यहीं पे सारा जो काम है वो हो चुका है खत्म, और इन भाई साहब को देखिए क्या कर रहा है पनौती, देखिए अभी ये क्या कर रहा है, देखिए भैंस के ऊपर बैठा है, आओ देखिए उसको भगा छोड़ दे, यहीं से छोड़ दे, ना 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 तो भाग जाएगी, तो बहुत डरती है साली, हमको लेके ही भाग जाएगी वो वाले बेल पे बैठा देते, ना 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 वो तो बहुत धमाली है वो बहुत धमाली बोल रहा है, तूफान करता है साला, ये वाला तो मानने के लिए आता था लेकिन अभी भूल गया है वो, और ये हमारी नोनी सी पाड़ी है और हमको मार रही है साली, ये हमरे को मार रही है ना, वो मार रही है ना, हाँ जी मार रही है, हाँ जी हाँ जी, तो अभी हम इसे को टाटिया लगा दिया है कि क्यों ऐसा क्यों लगा दिया आपने, ठंड ना लगे यहीं पे, तो यहीं पे नहीं आ जाएगी ठंडी, और ठंडी आ जाएगी फिर इसको बांधा वहाँ पे, तो आप भैंस है ना वो फाड़ दिया ठकरा के पूरा फाड़ दिया तो इसको तो छोटी बच्ची को नहीं ठंडी लगेगी, लगती है फिर हमारी झोपड़ी है ना इसके अंदर बांध देते हैं हम, क्या यहीं पे, हाँ बाहर के अंदर अंदर अंदर, और ये बुल को, बुल तो बाहर ही रहता है, उसको ठंडी नहीं लगती, ठंडी लगती है फिर क्या, इतना बड़ा घर है तो अंदर बांधना भाई, कंजूसाई ज्यादा कर रहा है तू, हमरे को रहना का नहीं, रहने का नहीं, तू मर जा, यहीं पे इतनी जगह है, यहीं पे दो बुल नहीं बांध सकता, ओ तेरे बदतमीज का कुतरा डालू साला, तेरे इतना बड़ा घर है इसलिए हमको बोल रहा है क्या, हमारे तो 35-40 गाय है फिर भी हम कैसे अंदर रखते, तो तू तू इतना इतना तीन नहीं अंदर रख सकता, अभी उसको हिंदी नहीं आई और गुजराती में आ गया, देखिए अभी आजाद में पढ़ाई करता है फिर भी, अभी तू तो देने दे, अबे दान तो देने दे हमरे पार्टी को, अब दूध कैसे निकालेंगे फिर, तो अभी उसके नीचे नहीं उतरा जा रहा है, तो अभी मयूर को बुला रहा है वो, मयूर नीचे उतरवा, कुछ जा कुछ जा,
कूद जा रे भाई कूद जा। हाँ तो गाइस अभी यहीं पे सारा काम हो गया है खत्म, और अभी जो ये वाला पिंजरा है पेरोट का उसको अंदर लेके जाना है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अभी क्या कि उसको अंदर लेके जाना पड़ेगा ताकि ठंड ज़्यादा नहीं लगे, हम गौशाला में रख देंगे उसको। और अभी यहीं पे मुर्गी कूद कर रहा है, कर रहे रे तू साग साग सब्जी 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 आ किसके टमाटर टमाटर जी टमाटर काट रहा है, और अभी मुर्गी बनाने वाला है सब्जी टमाटर। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ। और आप भी चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। तो मिलते हैं कोई नए वीडियो में, धन्यवाद।